Students, we were studying 8086 instructions. So let us take a brief of instructions we have studied earlier. The first group of instruction is based on data transfer. And the most popular instruction in this data transfer group is move instruction. And we already studied this move instruction in 8085 also. And the same instruction is used in 8086. So, how many types of data transfer can take through this MOV instruction are given here? First, second, third. We can move data to register if immediate data is given, and we can also move immediate data to memory or register, and memory to accumulator. And the difference here is key. We need to specify ki we are transferring 8-bit data or 16-bit data. So accordingly, immediate data bhi 8-bit or 16-bit ka given ho gaya, aur jo hum register ya memory location specify karenge, wo bhi accordingly specify karenge. So register mein to hume specify karna padega ki 8-bit hai ya 16-bit. Memory location to automatically it will take ki agar 16-bit hai to it will transfer to the to constituting memory location. Or agar 8-bit hai to jo bhi specified memory location hai usme data transfer ho jayega. Similarly, if we are using accumulator to agar hum 8-bit data transfer kar rahe hain to AL ka utilization hoga. If 16-bit kar rahe hain to AX will be used in the instruction. So ye move instructions hain. Ab move mein जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, ऑल कॉम्बिनेशन आर गिवन इन दिस इंस्ट्रक्शन. लाइक कि अगर हमें रजिस्टर और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करना है तो आइदर ऑफ दीज थ्री कॉम्बिनेशन कैन बी यूज बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन. और यू कैन से दिस सिंटैक्स कि वी विल राइट निमोनिक एमओवी स्पेस दे के रजिस्टर या मेमोरी लिखेंगे, कॉमा दे करके अगेन रजिस्टर या मेमोरी लिखेंगे. तो व्हाट एवर यू वांट यू कैन राइट हियर. आइदर दिस डेटा ट्रांसफर कैन बी बिटवीन रजिस्टर, बिटवीन टू रजिस्टर, और बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर, और रजिस्टर एंड मेमोरी. सिमिलरली सेगमेंट रजिस्टर कैन ऑल्सो बी गिवन कि अगर हमें किसी सेगमेंट रजिस्टर से डेटा को ट्रांसफर करना है तो आइदर ऑफ दीज टू कॉम्बिनेशन कैन बी पॉसिबल कि हम सेगमेंट से मेमोरी या रजिस्टर में कर सकते हैं, या मेमोरी और रजिस्टर इज गिवन एंड वी कैन ट्रांसफर दिस डेटा टू सेगमेंट रजिस्टर ऑल्सो. जो इंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने स्टडी किया है इन प्रीवियस लेक्चर्स, देन फिर लोड स्टोर एंड एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन आर ऑल्सो अंडर दिस कैटेगरी ऑफ डेटा ट्रांसफर. LDS is used for data segment. So we can load, we can store data. But यहाँ पर क्या है कि data segment register का involvement है. And LDS जो है, जो syntax यहाँ पर, sorry, जो mnemonic use कर रहे हैं, इसमें जो DS लिखा है, this is representing कि हम data segment register की यहाँ पे बात कर रहे हैं. Similarly LES लिखा हुआ है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट हो गया. इसी तरह से जो है
सारे यहाँ पे सेगमेंट रजिस्टर्स की इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि हम कौन कौन से सेगमेंट का यूटिलाइजेशन इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कर सकते हैं. नाउ व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन इज डूइंग, दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स वर्ड, मीन्स की 2 bytes ऑफ डेटा की बात हो रही है. इसका मतलब है कि 16-bit डेटा की बात है. एंड कहाँ से लोड करेगा डेटा को? फ्रॉम द स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन इन टू द स्पेसिफाइड रजिस्टर. स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन तो ये हो गई और स्पेसिफाइड रजिस्टर में मूव कर देंगे. एग्जाम्पल गिवन है, LDS लिखा, SI लिखा और यहाँ पर हमने मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई कर दिया. तो इस लोकेशन का जो डेटा होगा वो यहाँ पर मूव होगा. बट सिर्फ इस लोकेशन का नहीं, इसकी नेक्स्ट लोकेशन का भी डेटा ट्रांसफर होगा, बिकॉज वी नीड टू ट्रांसफर 16-bit डेटा. और अगर हम सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन की बात करेंगे तो 1 मेमोरी लोकेशन कैन ओनली स्टोर 8-bit डेटा. तो अगर 16-bit डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो इट मीन्स कि वी रिक्वायर 2 कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन टू मेक 16-bit डेटा. तो 0200 और 0201 ये 2 एड्रेसेस यूज होंगे. सिमिलरली अदर लोड इंस्ट्रक्शन भी हैं. देन फिर LAHF, SAHF हैं. दीज 3 इंस्ट्रक्शन आर यूज टू मूव द डेटा ऑफ फ्लैग रजिस्टर. ये दोनों अपोजिट इंस्ट्रक्शन हैं. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि लोअर 8 बिट्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर को AHF रजिस्टर में ट्रांसफर करेंगे. एंड SAHF जब इंस्ट्रक्शन रन होगी तो रिवर्स ऑपरेशन विल बी परफॉर्म, यानी AHF रजिस्टर का डेटा लोअर 8 बिट्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा. इसी तरह से XLAT भी है. XLAT में क्या है कि देयर इज अ लुकअप टेबल हियर एंड जो डेटा रीड होगा वो लुकअप टेबल से रीड होगा. एक्सचेंज में क्या है कि डेटा को एक्सचेंज किया जाएगा. अगर एक्सचेंज के सिंटैक्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक रजिस्टर स्पेसिफाइड है तो इट मींस कि एक्सचेंज ऑपरेशन जो है वो रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर के बीच में परफॉर्म होगा. बट इन केस बोथ लोकेशंस आर स्पेसिफाइड हियर, इट मींस कि इट कैन एक्सचेंज आइदर 8-bit और 16-bit डेटा from the memory or register given here with the register specified here. So ye data exchange bhi ho jayega. Then fir next data transfer jo hai, these are a push and poke. Push instruction mein we are having 3 syntaxes, 1, 2, and 3, and 4th one is related to flag. So 3 instructions जो है ये register या memory या segment register पर based है. So what this instruction will do? This instruction will push the data of specified register or memory location or segment register to the top 2 locations of the stack. So again, this is a moving of data, or you can say transferring of data. That is why it is also under the category of data transfer. Then फिर POP instruction, पहले भी हमने बताया, 8085 में भी बताया था, 8086 में भी जब हम इसको study कर रहे थे तब भी बताया था कि this instruction performs the opposite operation of push. यानी कि जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि रजिस्टर मेमोरी लोकेशन या सेगमेंट रजिस्टर के डेटा को हम टॉप ऑफ स्टैक में भेज रहे हैं, इसका जस्ट रिवर्स होगा कि वी विल मूव द टॉप 2 लोकेशन ऑफ स्टैक टू द स्पेसिफाइड लोकेशन. एंड लोकेशन कैन बी अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन और सेगमेंट रजिस्टर, या फिर जैसे फ्लैग की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी फ्लैग ऑल्सो. तो हम फ्लैग के डेटा को भी मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग पुश एफ और बाय यूजिंग POP एफ इंस्ट्रक्शन.
फिर इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस भी हैं। अगर हमें किसी पोर्ट से डेटा को इन करना है तो वी विल यूज इंस्ट्रक्शन, और अगर सेंड करना है आउटपुट पोर्ट से डेटा को तो वी विल यूज आउटपुट। एंड बिल्कुल जैसे हम लोगों ने 8085 में पढ़ा था, टास्क तो सेम परफॉर्म होगा बट सिंटैक्स इज डिफरेंट बिकॉज देयर इज ऑप्शन ऑफ आइदर 8 बिट और 16 बिट डेटा ट्रांसफर। तो दैट इज वाई हम यहाँ पर एक्यूमुलेटर स्पेसिफाई करेंगे। इफ वी आर ट्रांसफरिंग 8 बिट डेटा फ्रॉम दिस इनपुट पोर्ट गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, देन वी विल राइट AL हियर। एंड इफ वी आर ट्रांसफरिंग 16 बिट डेटा फ्रॉम दिस इनपुट पोर्ट, देन वी विल स्पेसिफाई AX हियर। Both the examples are given here. Then फिर one more type of instruction is possible here. The syntax is given here IN space AC comma DX. If the port address is stored in DX register, then we will use this instruction. So what this instruction will do? It will take input data from the address specified in DX register. So port address is specified in DX register, and from that address, the data is transferred to accumulator. If 8-bit data is being transferred, AL is used. If 16-bit data is being transferred, AX is being used. So DX must not be empty when this instruction is being executed. We need to store port address to DX first. That is why इस example में आपको show किया गया है कि first we are moving port address to DX, then only we can use this instruction. And similar out instruction के लिए भी है कि हमने out लिखा, port address दिया, accumulator लिखा, accumulator का data उस output port पे चला जाएगा जिस port का address output port का address यहाँ specified होगा। और यहीं पर अगर यही output port का address DX register में stored है तो accumulator का जो data होगा वो उस port address पे चला जाएगा जिसका address DX में already stored है। के बाद फिर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में एडिशन है, एडिशन विद कैरी है, सबट्रैक्शन है, सबट्रैक्शन विद बोरो है, देन फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन। एडिशन, एडिशन विद कैरी, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन विद बोरो, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल सिमिलर है। तो एक इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स याद कर लीजिए ऐड इंस्ट्रक्शन का, इसके बाद एडिशन विद कैरी का भी सेम सिंटैक्स है, सबट्रैक्शन का भी सेम है, सबट्रैक्शन विद बोरो का भी सिंटैक्स सेम है। तो लेट अस सी कि ये तीन सिंटैक्सेस कौन से हैं, क्या फॉर्मेट है इस इंस्ट्रक्शन को लिखने का। तो फॉर्मेट क्या है इंस्ट्रक्शन लिखने का, हम लिखेंगे सबसे पहले निमोनिक, फिर एक्यूमुलेटर कॉमा डेटा। पहला तो फॉर्मेट ये हो गया कि हम सबसे पहले लिखेंगे एसी यानी एक्यूमुलेटर लिखेंगे, और उसके बाद में हम कॉमा करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी डेटा दिए।
और सेकंड क्या है, निमोनिक, उसके बाद मेमोरी स्लैश रजिस्टर और कॉमा इमीडिएट डेटा। थर्ड क्या है, मेमोरी स्लैश रजिस्टर कॉमा रजिस्टर स्लैश मेमोरी। बस यही तीन कॉम्बिनेशन आप लोगों को याद करने की जरूरत है और आगे की बहुत सारी इंस्ट्रक्शन इसी कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है, बिकॉज जो भी यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे वो इसी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में होंगे। मीन्स अगर हमें इमीडिएट डेटा गिवन है तो हम इमीडिएट डेटा का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो या तो एक्यूमुलेटर से करेंगे या मेमोरी में स्टोर डेटा से करेंगे या किसी रजिस्टर में स्टोर डेटा से करेंगे। और अगर इमीडिएट डेटा नहीं गिवन है तो हम किन्हीं भी दो रजिस्टर्स के बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या रजिस्टर और मेमोरी के बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइदर रजिस्टर फर्स्ट होगा और मेमोरी फर्स्ट होगी। तो एनी ऑफ दी थ्री कॉम्बिनेशंस कैन बी पॉसिबल, बिटवीन रजिस्टर्स हो सकते हैं, मेमोरी को पहले लिख सकते हैं, रजिस्टर को बाद में लिख सकते हैं, रजिस्टर को पहले लिख सकते हैं, मेमोरी को बाद में लिख सकते हैं। ये तीन कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल है इस इंस्ट्रक्शन में। तो हमें सिर्फ इन तीन सिंटैक्स, तीन फॉर्मेट्स को याद रखना है एंड सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर इसी से। तो फर्स्ट को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे एड एसी कॉमा डेटा इज गिवन, तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि आइदर 8 बिट डेटा गिवन होगा और 16 बिट डेटा गिवन होगा। अगर 8 बिट डेटा गिवन है तो हम यहाँ पर AL का यूटिलाइजेशन करेंगे, अगर 16 बिट डेटा गिवन है तो हम यहाँ AC की जगह पर AX का यूज करेंगे, इट मीन्स की 16 बिट ऑपरेशन करेंगे। ऐसे ही मेमोरी कॉमा रजिस्टर और डेटा अगर गिवन है तो यहाँ पर भी टोटल फोर कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। मतलब कि अगर हम ऐड ऑपरेशन कर रहे हैं एंड हम रजिस्टर कॉमा डेटा यूज कर रहे हैं, बिकॉज इसमें आइदर मेमोरी होगी या रजिस्टर होगी, तो फॉर एग्जांपल हम रजिस्टर कॉमा डेटा ले रहे हैं, तो जब हम रजिस्टर कॉमा डेटा लेंगे तो दो ऑप्शंस अगेन पॉसिबल हैं कि आइदर 8 बिट का डेटा गिवन होगा और 16 बिट का डेटा गिवन होगा। 8 बिट का डेटा गिवन होगा तो जो रजिस्टर होगा वो हम क्या यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने 8 बिट का सीएल गिवन है तो हम सीएल यूज कर लेंगे, और अगर हमारे पास 16 बिट डेटा है तो हम सीएक्स का यूज कर लेंगे। ऐसे ही मेमोरी के केस में भी दो तरह से लिखेंगे, मेमोरी गिवन होगी तो मेमोरी का एड्रेस होगा और कॉमा करके डेटा गिवन होगा। तो डेटा कैन बी आइदर 16 बिट और 8 बिट, तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी बनेंगे, दो कॉम्बिनेशन यहाँ भी बन रहे, तो फिर चार तरह से इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं। रेस्ट एडिशन में क्या परफॉर्म होता है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम एडिशन में ही एड विद कैरी। तो अगर हमें एड विद कैरी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो अगेन आप देख रहे होंगे कि जो तीन इंस्ट्रक्शंस गिवन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों गिवन है और तीनों के केस में ही सेम सिंटैक्स सेम फॉर्मेट यूज हो रहा है, बस एड की जगह पे एबीसी लिख दिया है, बाकी डेटा बाकी फॉर्मेट सेम ही गिवन है। और ADC का मतलब क्या है कि एड विद कैरी। तो अब क्या होगा, जो प्रीवियस केस में एडिशन में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था ऑपरेशन वही परफॉर्म होगा, एक्यूमुलेटर का डेटा और इमीडिएट डेटा ऐड होंगे, बट यहाँ पर क्या होगा कि कैरी भी ऐड हो जाएगी। रेस्ट बाकी सब कुछ एडिशन की तरह ही है, सेम एज इट इज वही परफॉर्म।
फिर सब्ट्रैक्शन में आ गए, तो सब्ट्रैक्शन में भी आप देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन तो प्रीवियस केस की तरह ही है। अगेन जो फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन लिखने का वो सेम फॉर्मेट है, तो आपको हर एक इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एसयूबी याद रखिए कि इट इज फॉर सब्ट्रैक्शन, और वही तीनों एसी कॉमा डेटा, मेमोरी स्लैश रजिस्टर कॉमा डेटा, और मेमोरी स्लैश रजिस्टर कॉमा रजिस्टर स्लैश मेमोरी, ये तीन कॉम्बिनेशन में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन विद बोरो होगा, सब्ट्रैक्शन विद बोरो में भी हम क्या करेंगे कि उसका जो निमोनिक है वो क्या होता है, SBB। तो SUB की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, SBB यूज कर लेंगे, रेस्ट सब कुछ सेम रहेगा एंड बोरो विल बी इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन। तीन इंस्ट्रक्शन यहाँ स्पेसिफाइड है विद द सेम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब यहाँ पर क्या है 8086 में कि दो इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा हैं, जैसे वहां पर सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी परफॉर्म कर रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो इजी होता है कि आपने एडिशन किया रिजल्ट आ गया सेम नंबर ऑफ बिट्स होंगी, सब्ट्रैक्शन में भी ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ बिट्स होती है, लेकिन जब भी हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में ऑलवेज नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज होगी। अगर हम 8 और 8 बिट का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट 8 बिट नहीं आएगा, हमेशा 8 बिट से ज्यादा ही आएगा रिजल्ट। ऐसे ही डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो डिवीजन में क्या होगा कि डिवीजन में दो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी रहती है, एक तो आपका क्वेशेंट आएगा और एक रिमाइंडर भी आ सकता है। तो अब हमें इन चीजों को माइंड में रखना है और इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करना है। बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एक और चीज है कि हमें ये भी देखना होगा कि जो भी डेटा गिवन है वो डेटा साइन डेटा है कि नहीं डेटा है, मीन्स कि वो पॉजिटिव डेटा का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या डिविजन कर रहे हैं या नेगेटिव डेटा का मल्टीप्लीकेशन और डिविजन कर रहे हैं, बिकॉज साइन भी यहाँ पर मैटर करता है। आपने नॉर्मल जब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म किया होगा तो साइन को भी कंसीडर करके चलते हैं, अगर नेगेटिव दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, या एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो हमें यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ये भी देखना है कि हम इस ऑप्शन को भी ओपन रखें कि साइंड नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म कर सके, क्योंकि साइन की भी यहाँ इक्वल वैल्यू होती है। तो लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है इट इज MUL, तो जो निमोनिक यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन का वो हम क्या यूज करेंगे, MUL यूज करेंगे। और स्पेस देके मेमोरी या रजिस्टर यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा वो इस स्पेसिफाइड लोकेशन का मल्टीप्लिकेशन एक्यूमुलेटर से होगा, और एक्यूमुलेटर को यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं बिकॉज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पे बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि फॉर्मेट्स नहीं गिवन है कि हम बिटवीन रजिस्टर्स भी कर सकें और बिटवीन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी कर सकें, बिकॉज रिजल्ट को स्टोर करना भी यहाँ पर एक टास्क हो जाएगा, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली 16 बिट ऑफ स्टोरेज इन वेरियस रजिस्टर्स, और अगर हम 16 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो हमें मोर देन 16 बिट का स्टोरेज का रजिस्टर चाहिए होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है वो हम
एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी और रजिस्टर नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर एंड आइदर मेमोरी और रजिस्टर कैन बी यूज. तो दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर अनसाइंड 8-bit और 16-bit मल्टीप्लीकेशन. मीन्स हम यहाँ पर साइंड डेटा नहीं यूज कर रहे हैं, हम अनसाइंड के लिए ये मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं. तो अनसाइंड के केस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन विल बी परफॉर्म एंड देर कैन बी फोर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. 8-bit का है तो CL लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा, AL से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, या फिर हम CX लिखेंगे और AX से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 16-bit ऑपरेशन होगा. ऐसे ही अगर हमें कोई एड्रेस गिवन है तो एड्रेस के केस में वही एड्रेसिंग सिस्टम यूज करेंगे कि हमें कोई एड्रेस गिवन है, एड्रेस जो है वो स्टोर्ड हो सकता है आपके जैसे BX में स्टोर्ड हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि BX के साथ में कुछ डिस्प्लेसमेंट गिवन है. जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि बेस, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट, ये तीन को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ मेमोरी. तो तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन गिवन हो सकते हैं तीनों का, तो उसके थ्रू हम एड्रेस यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो मेमोरी तो स्पेसिफाई कर दी हमने, बट हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मेमोरी से हम 8-bit डेटा पिक करेंगे कि 16-bit डेटा पिक करेंगे. तो फॉर दैट पर्पज यहाँ पर बाइट पॉइंटर और वर्ड पॉइंटर लिखा जाता है. बाइट पॉइंटर का मतलब क्या है कि हम 8-bit डेटा को यूज कर रहे हैं, एक बाइट यूज कर रहे हैं. अगर वर्ड पॉइंटर लिख रहे हैं तो इट मीन्स कि हम 16-bit डेटा ऑपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज अ वर्ड मीन्स कि वो 16-bit का है. ठीक, अब ये मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस तो हो गया, लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन के बाद में मान लीजिए हमने दो 16-bit के डेटा का मल्टीप्लीकेशन किया और जो रिजल्ट आया वो ग्रेटर देन 16-bit हो गया, तो अब हम उसको स्टोर कहाँ पर करेंगे और किस तरह से करेंगे, तो उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. तो व्हेन 8-bit मल्टीप्लीकेशन इज परफॉर्म, ठीक है, ये तो AL से परफॉर्म हो जाएगा. तो जब हम 8-bit का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट कहां पर जाएगा, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन AX रजिस्टर. और जब हम 16-bit का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन AX:DX, यानी कि जो MSB होगी वो DX में सेव होगी और जो LSB होगी वो AX में सेव होगी, क्योंकि 16-bit मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि डेटा हमारा ज्यादा हो सकता है, तो हम यहाँ पर 32-bit स्टोरेज यूज करेंगे. तो DX और AX दोनों रजिस्टर्स का यूज करेंगे टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो बस ध्यान ये रखना है कि हम रिजल्ट को DX AX में स्टोर कर रहे हैं, तो DX में हायर ऑर्डर का डेटा यानी MSB जाएगा और AX में लोअर ऑर्डर का डेटा यानी कि LSB जाएगा. और अगर 8-bit का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो डेटा हमारा AX में ही स्टोर हो जाएगा, क्योंकि वो 16-bit से ज्यादा नहीं जाएगा उसका रिजल्ट. तो दिस इज द मैकेनिज्म कि हम रिजल्ट को किस तरह से स्टोर कर रहे हैं. देन फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन, सब पूरा सेम परफॉर्म होगा प्रीवियस केस की तरह ही, बस जो इंस्ट्रक्शन होगी इंस्ट्रक्शन विल चेंज टू IMUL. And this instruction will be for signed 8-bit or 16-bit multiplication. तो यहाँ पर हम signed bit का use करेंगे और signed operation perform कर देंगे. ऐसे ही next है, next division instruction है. Division में भी क्या है, एक signed के लिए है और एक unsigned के लिए. सबसे पहले unsigned वाला study कर लेते हैं. अनसाइंड का सिंटेक्स बिल्कुल, सिंटेक्स एंड वर्किंग जो है वो बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन की तरह ही है. डिवीजन के लिए हमने DIV निमोनिक यूज कर दिया और स्पेस देके हमने मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई कर दी जहां से हमें डेटा लेना है. तो अब यहां पर
जो चीज नोटिस करने वाली वो क्या है कि जब इस इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन करते हैं डिवीजन के लिए, तो दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू डिवाइड अ 16 बिट अनसाइंड नंबर बाय एन 8 बिट अनसाइंड नंबर और 32 बिट अनसाइंड नंबर बाय अ 16 बिट अनसाइंड नंबर। तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, मतलब कि जब हम डिवीजन करेंगे तो 8 बिट का डेटा है उससे उसे हम 16 बिट के डेटा को डिवाइड करेंगे, या 32 बिट के डेटा को हम डिवाइड करेंगे 16 बिट के डेटा। तो दिस ऑपरेशन इज नोन एज 8 बिट ऑपरेशन एंड दिस ऑपरेशन इज नोन एज 16 बिट ऑपरेशन। दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि डिवीजन में ऑलवेज जो हमारे पास में डिवाइजर होगा वो स्मॉल होना चाहिए। तो दैट इज वाई हम 16 बिट को 8 बिट से डिवाइड करते हैं और 32 बिट को 16 बिट से डिवाइड करते हैं। और जो फर्स्ट वाला ऑपरेशन है कि हमने 16 बिट डेटा को 8 बिट डेटा से डिवाइड किया है, दैट इज नोन एज 8 बिट ऑपरेशन। एंड जब हम 32 बिट डेटा को 16 बिट डेटा से डिवाइड कर रहे हैं तो इट इज नोन एज 16 बिट ऑपरेशन। अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट एक रिमाइंडर आएगा, एक क्वेशेंट आएगा, उसको कैसे स्टोर करेंगे। तो मेन चीज तो 16 बिट के केस में है कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में 32 बिट का डिवाइडेंट है तो हम उसको कहां पर प्लेस करेंगे, डीएक्स और एएक्स रजिस्टर में, यानी हम इस डेटा की बात कर रहे हैं जब हम 32 बिट के डेटा का डिवीजन कर रहे हैं। तो हमें उस डेटा को कहीं ला करके स्टोर करना होगा, तो वो डीएक्स और एएक्स में स्टोर होगा। और जो डिवाइजर होगा, यानी कि ये जो 16 बिट जिससे कि हम डिवाइड कर रहे हैं डेटा को, ये कहां पर प्लेस होगा, इट इज प्लेस्ड इन द मेमोरी और रजिस्टर विच इज स्पेसिफाइड हियर। नाउ अब एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन का, डिवीजन इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म्ड। अब आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड तो हमारे पास में दो रिजल्ट्स आएंगे, एक आएगा 16 बिट का क्वेशेंट, उसको हम कहां स्टोर करेंगे, एएक्स रजिस्टर में, और एक आएगा 16 बिट का रिमाइंडर, उसे हम कहां स्टोर करेंगे, डीएक्स में स्टोर करेंगे। बस ये आपको याद रखने की जरूरत है कि डिवीजन में हम रिजल्ट को कहां स्टोर करें। क्वेश्चन जो आएगा 16 बिट वो जाएगा एएक्स में और जो रिमाइंडर आएगा वो जाएगा डीएक्स। और ये तो हम बता ही चुके हैं कि इसे हम 16 बिट ऑपरेशन कहते हैं, फ्लैग्स कोई अफेक्ट नहीं होंगे। और अब यहां पर क्या है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, डिवीजन होता ही जा रहा है और ये जो क्वेश्चेंट आ रहा है ये 16 बिट से ज्यादा हो जाए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि डिवीजन लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म होता रहता है एंड क्वेश्चन बढ़ता चला जाता है। तो अगर मोर देन 16 बिट का आ गया तो हम उसको एएक्स में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी 16 बिट की उसकी कैपेसिटी है। तो इन केस ऑफ दिस 16 बिट ऑपरेशन, इफ द क्वेश्चन इज ग्रेटर देन एफ 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 एफ, मतलब कि मैक्सिमम नंबर जो 16 बिट का सेव हो सकता है, तो जब इससे ग्रेटर हो जाएगा तो डिवाइड बाय जीरो यानी टाइप जीरो इंटरप्ट इज जनरेटेड। जो हम लोगों ने इंटरप्ट्स में पढ़ा था 8086 में, जो सबसे पहली इंटरप्ट पढ़ी थी, जो हमने पूरा डायग्राम पढ़ा था, तो सबसे नीचे वाली जो इंटरप्ट थी टाइप जीरो इंटरप्ट, वो इंटरप्ट यहाँ पर जनरेट होती है। एंड सेम चीज 8 बिट ऑपरेशन के लिए भी है, मतलब कि जब हम 16 बिट डिवाइडेंट को 8 बिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अब क्या होगा, जो 16 बिट का डिवाइडेंट है वो AX में स्टोर करेंगे और 8 बिट डिवाइजर हमारा
यहाँ कहीं लोकेशन में या रजिस्टर में स्टोर होगा, और जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो वी विल गेट एन 8-bit क्वेश्चन जिसको कि हम AL में प्लेस करेंगे, और 8-bit का रिमाइंडर मिलेगा जिसे कि AH में स्टोर कर देंगे अगर नॉर्मल ऑपरेशंस हो रहा है। बट इन केस अगेन इन दिस 8-bit ऑपरेशन अगर क्वेश्चन जो है वो ग्रेटर देन FF आ जाता है, मतलब कि मैक्सिमम जो 8-bit स्टोर हो सकती है वो FF है, अगर इससे भी ज्यादा आ जाता है 8-bit से ज्यादा तो अगेन डिवाइड बाई जीरो यानी टाइप जीरो इंटरप्ट इज जनरेटेड। एंड सेम चीज फिर IDIV यानी ये फिर साइंड के लिए हो जाएगा, ऑपरेशन बिल्कुल सेम है बस साइन नंबर के साथ में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट है, तो उसके लिए आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, इस क्लास को हम एंड कर देते हैं।